हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? ऑफिशियली अब यहाँ पर हमारी कॉलेज चालू हो चुकी है, तो मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप वीडियो देखना ना भूले। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ बी कॉम सेम फाई कॉस्ट अकाउंटिंग और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसका सम नंबर है 1। चैप्टर नंबर वन उसका नाम है प्रक्रियाना हिसाबो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पेज नंबर है 53। तो चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा ले ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये सम नंबर हमारा 1, पेज नंबर 53। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये हमारी प्रक्रिया 1, 2 और 3 प्रक्रिया है हमारी। 1, 2 और 3 प्रक्रिया है हमारी। तो ये माल सामान मजदूरी और प्रत्यक्ष खर्चा दिया गया है हमें यहाँ पर। तो परोक्ष खर्चा हमारा 14,000 एंड मजूरी ना धोरण है 6.5। तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर? आप दोस्तों इस सम को ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो ये है, इसे वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कीजिए, इस सम को पढ़िए और फिर इसे देखिए। ये हमें क्या ढूंढना है? आखर माँ अर्ध तैयार माल नो स्टॉक न थी, तो हमें ये ढूंढना है। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रक्रिया 1, 2 और 3 हमें 3 प्रक्रिया दी है, तो हमें 3 प्रक्रिया के 3 खाते यहाँ पर दौड़ लेने हैं। तो खाता कैसे दोना है हमें? तो हमें यहाँ पर लिखना है विगत एकम और रकम। इसी तरह हाँ, यहाँ पर आपको तीन खाते आपको यहाँ पर दौर लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट क्या दिया है? माल सामान। ये हमें फर्स्ट में सबसे पहले क्या दिया है? माल सामान। कितना दिया है? प्रक्रिया 1 अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो प्रक्रिया 1 में माल सामान हमें यहाँ पर कितना दिया है? 30,000। और कितने एकम के लिए उत्पादन होता है हमारा? 500 एकम के लिए हमारा यहाँ पर उत्पादन होता है। माल सामान कितना है? 30,000। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये खाते दो लेने हैं, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है माल सामान और उसकी रकम कितनी है? 30,000। और कितने एकम के लिए था? 500 एकम के लिए। तो 30,000 भाग्या 500 आप यहाँ पर करोगे तो आपको ये एकम मिल जाएंगे 60। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मजूरी कितनी दी है हमें यहाँ पर? 25,000 हमें प्रक्रिया 1 में मजूरी दी है। तो हम यहाँ पर प्रक्रिया लिखते हैं, मजूरी लिख लेते हैं। मजूरी हमें यहाँ पर 25,000 और 25,000 भाग्या 500 करेंगे हम तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 50। इसी तरह प्रत्यक्ष खर्चा हमें कितना दिया है? 5,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यक्ष खर्चा 5,000 भाग्या 500 करेंगे तो आपका ये 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारा परोक्ष खर्चा। तो ये देखिए, परोक्ष खर्चा के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये तीनों जो भी रकम हमारी ये है 30,000, 25,000 और 5,000, ये तीनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपका 6, तीनों का रेशियो आएगा 6:5:1, ये रेशियो आपका आएगा। तो मजूरी कितनी? ये माल सामान का रेशियो 6, मजूरी का रेशियो 5 और प्रत्यक्ष खर्चा का रेशियो 1। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि मजूरी जो है, ये मजूरी
किसके 14,000 परोक्ष खर्चा, परोक्ष खर्चा 14,000 है और उस पर किस पर गिनना है, मजूरी का जो भी रेशियो आया उस पर गिनना है। तो देखिए 14,000 14,000 इंटू मल्टीप्लाई करना है हमें 14,000 इंटू 5 अपॉन टोटल कितना होता है 14 होता है। तो ये आपको ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा 5,000 और 5,000 भाग्य 500 आप करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10। तो इसी तरह ये सब का हमें यहाँ पर टोटल करना है, टोटल हमारा 130 आएगा और इसका टोटल हमें 65,000 मिलेगा। तो यही आपको इसे उठाकर यहाँ पर रखना है और इसे भी आपको यहाँ पर रख देना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको लिख लेना है बीजी प्रक्रिया खाते, ऊपर कितना लिखना है 130 और यहाँ पर 65,000। और ये वाला जो दूसरी प्रक्रिया है उसको हम उठाकर ये वाली प्रक्रिया में फर्स्ट में लिख देंगे, बीजी प्रक्रिया 1 खाते थी कितना जो भी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह प्रक्रिया 2 का हम खाता बना लेना है आपको 500 एकम के लिए। फर्स्ट में हमें माल सामान, मजूरी और प्रत्यक्ष खर्चा, ये तीनों तीन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, माल सामान हमें कितना दिया है 15,000, 20,000 और 1,000। तो देखिए 15,000, 20,000 और 1,000, ये तीनों तीन हमें यहाँ पर दे दिया है और इसका मल्टीप्लाई हम 500 से करेंगे तो हमारा ये एकम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर परोक्ष खर्चा देखने हैं, परोक्ष खर्चा भी इसी तरह ही आपको देखना है। प्रक्रिया 2 के लिए फिर ये सब का टोटल करना है आपको, ये सब का टोटल करना है और ये सब का टोटल करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह ये उठाकर आप यहाँ पर लिखना है और इसे यहाँ ऊपर लिख देंगे और प्रक्रिया 3 खाते थी लिख देंगे। इसके बाद प्रक्रिया 3 का खाता हम यहाँ पर बना लेते हैं और ऊपर जो हमने लास्ट में लिखा था वो लिख देंगे प्रक्रिया 2 खाते। ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रक्रिया 2 खाते थी कितना था 210 और 105 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और माल सामान, मजूरी और प्रत्यक्ष खर्चा जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000, 25,000 और 5,000। इसी तरह 5,000 का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 14,000 इंटू 5 अपॉन 14, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5,000। इसी तरह ये सब का टोटल हमें करना है, ये सब का टोटल करना है, ये सब का टोटल और ये सब का टोटल ये हम यहाँ पर लिखेंगे और इसे यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा लास्ट में जो भी आंसर बचेगा 300 इंटू 1,50,000 ये हमारा होगा तैयार माल नो आखर नो स्टॉक। ये दोस्तों छोटा सा वीडियो था आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप ये वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, मैं आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट आने वाले समय में मैं बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।